हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अनुप्रसन्न है हमारी बेबी का, ये 6 मंथ्स का हो गए हैं और आज सरस्वती पूजा है, तो मैं इसलिए सोची कि आज ही कर देती हूँ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से करूँगी, कुछ करूँगी नहीं, घर में खीर वगैरह बना के और मैं काना को भोग लगाऊंगी। काना को भोग लगाने के बाद और इस काने को खिलाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं एक छोटा सा टब ली हूँ और टब में पानी डालती हूँ और डाल के कुछ फ्लावर्स वगैरह इसमें डालती हूँ और कुछ पत्ती फ्लावर से इसको अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। और मैं इसी में अपने बेटे को नहलाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे बैठा दी हूँ नहलाने के लिए। हमारा बेटा काफ़ी इंजॉय कर रहा है इस तरीके से खेलते हुए, नहला देंगे अपने बेटे को। तो देखिए मेरा बेटा यहाँ पे रेडी हो गया है और मैं अच्छे से कपड़ा पहना के यहाँ पे रेडी कर ली हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ बलून्स वगैरह से डेकोरेट कर लिया था, तो मैं इस बहुत सिंपल तरीके से की हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेकोरेट करके रेडी कर ली हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स से मैं आज भी अपने बेटे का नाम लिखी हूँ और मैं इसको पूरा डेकोरेट करती हूँ, देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो देखिए मैं कुछ चीज़ें मैं घर पर ही बनाई थी और कुछ मैंने स्वीट्स वगैरह और फ्रूट्स मार्केट से मंगाई थी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एक छोटे छोटे प्लेट में इस तरीके से सजा दी हूँ। तो हमारा एडुकेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैंने अनुप्रसन्न लिखी हूँ जो चावल से, और यहाँ पे बेटे का नाम है आद्विक, वो मैं लिखी हूँ। तो हमारा ये कैसा लगा एडुकेशन ज़रूर बताइएगा। और हमारे प्यारे शिकाना जी यहाँ पर खेल रहे हैं। उसके बाद हमारे बेटे यहाँ पर अपने भाई के साथ यहाँ पर कुछ पिक्चर वगैरह ली और हम लोग कुछ यहाँ पे सब लोग मिलके वीडियो वगैरह बनाए और एक एक करके और फोटो वगैरह लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक छोटा सा केक भी मंगवाया था इसमें, तो इस पे लिखा था हैप्पी अनुप्रसन्न आदवी, और मैं यहाँ पे अपने बेटे को लेके बैठ गई हूँ। तो हमारा बेटा यहाँ पे काफी एंजॉय भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपने बेटे को थोड़ा सा तिलक वगैरह हम लोगों ने लगाया था और माला, एक फूल का माला बनाए थे, वही मैं हम लोग यहाँ पे पहनाएंगे। उसके बाद इनका हम आरती वगैरह थोड़ा इस तरीके से करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, हमारा बेटा भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और कभी कभी बीच में रो भी रहे थे। तो देखिए कितने अच्छे से करवा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है इनके साथ। तो यही है हमारा एक छोटा सा सेलिब्रेशन। तो हम लोग देखिए इनको खिला रहे हैं, देखिए कैसे खा रहे हैं, तो सिर्फ टंग पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसमें टच करा रहे हैं। बोल रहे हैं मेरे को चाहिए अपने हाथ में। इसी तरीके से हमारी पूरी फैमिली एक एक करके हम लोगों ने इनको खिलाए थे, इनके पापा हैं जो इनको खिला रहे हैं, देखिए कैसे खा रहे हैं। और ये पूरी इसको हम लोग इस तरीके से हल्का सा टच कराए से, और इनकी ये बड़ी दीदी हैं, देखिए कैसे इस तरीके से हम लोगों ने इनको खिलाया। तो हमारे बेटा जी यहाँ पे काफी एंजॉय कर रहे हैं और अपनी प्यारी सी छोटी सी दीदी के साथ उसे खा रहे हैं, देखिए। तो इस तरीके से हमने इनका अनुप्रसन्न किया और यहाँ पे हल्का सा मैं पानी इनको थोड़ा सा पिलाऊंगी, मतलब टच करूंगी, ज़्यादा ये पियेंगे नहीं।
तो इस तरीके से हमारा ये छोटा सा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं भी अच्छी लगी तो डिसलाइक जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केक कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। तो जो मैंने यहाँ पे केक मंगाया था उसका हम केक कटिंग कर लेंगे। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार देखो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।